अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सरगुदा वी एस न्यूज़ की आज़माइशी नशियात और मैं हूं आपका मेजबान असलम फ़राज़ आज जुमेरात है रमजान की छः अप्रैल की तीस और विसाख की सोलह तारीख ये वक्त है हमारे बकामे खबरनामा का तो आइए शुरू करते हैं आज का खबरनामा घर में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ महकमों की दो अरब सतहत्तर करोड़ तखमीना की दो सौ बारह मुख्त्य स्कीमों पर काम जारी है कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ वन की पाँच करोड़ सत्रह लाख तखमी की कुल साठ में से इक्यावन स्कीमें मुकम्मल कर ली गई हैं जबकि फेज़ टू की पाँच करोड़ तखमीन की मंजूरकदा तिहत्तर स्कीमों के कोरोना वायरस की वजह से फंडस रोक लिए गए हैं वजैर अजम तरक्याती प्रोग्राम के तहत फेज़ वन की तिरासी में से पैंतीस स्कीमें मुकम्मल कर ली गई हैं जबकि फेज़ टू की एक सौ ग्यारह स्कीमों के लिए भी फंड जारी किए जा रहे हैं इन स्कीमों में फेस्कोसैस हाईवेज़ और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के महकमों की तरक्याती स्कीमें शामिल हैं इस अमल का इंकशा मेंबर कौमी इसम्बली चौधरी आमिर सुल्तान चीमर की जैर सदारत मनदा ज़िली रब्ता कमेटी के इजलास में किया गया इजलास में एम पी ए फैसल फ़ारूक चीमा चौधरी मुनीब सुल्तान चीमा चौधरी इफ्तार हुसैन गोंद्दल सरदार गुलाम अली असगर खान लाड़ी डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैर और डी पी ओ फैसल गुलजार समेत तबीरती महकों सेहत और तालीम के अफसर ने शिरकत की इजाज़ में चीफ एग्जेकटिव हेल्थ अथार्टी डॉक्टर आय सभी ने कोरोना और डेंगू के बारे में तफसी ब्रीफिंग दी उन्होंने बताया कि ज़िला में ग्यारह सौ पचपन मुशतबा केसेज ताहाल रिपोर्ट हुए हैं ताहम उनकी मुकम्मल हो चुकी है जिनमें से 210 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए 822 को क्लियर होने पर घरों में भेज दिया गया, 43 पॉजिटिव मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और अब तक कोरोना से सिर्फ एक मौत वाकई हुई है उन्होंने मजदूर तफसी आगाह करते हुए बताया कि जिला भर में चार सौ चौरानवे मुशतबा तबलीगियों में से एक सौ पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि पंद्रह सेहतियाब हो चुके हैं ज़िला में दो सौ उनतालीस में से सैंतालीस कन्फर्म पाए गए एक सौ दो को डिस्चार्ज जबकि चौबीस सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं इलाज में डिप्टी डायरेक्टर जरात हाशिब रजा ने टी डी दल के हवाले से ब्रीफिंग में बताया कि ज़िला में बाईस सर्वेलेंस टीमें काम कर रही हैं और अभी तक किसी जगह पर भी कोई टीडी दल पाया नहीं गया किसान मकबूल खान की फसल चना पर टिडी दल का हमला और किसान की परेशान नहाली इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है बैरची खुशाब राजा नूर इलाही आतिफ ने निवाई कस्बा जमाली बलोचा के किसान मकबूल खान के चने की फसल पर टिडी दल का हमला होते ही मजबूर बेबस किसान अपने खेत को टिडी दल के मुमकिन नुकसान से बचाने के लिए फौरी तौर पर वहां पर पहुंचा मकबूल खान ने टिडी दल को भगाने के लिए जोर शोर से आहो पुकार शुरू कर दी और वो फसल को बचाने के लिए सख्त गर्मी में रिंग रिंग कर खेत में फिरता रहा परेशान हाल किसान की आहो पुकार सुनकर आसपास के किसान भी वहां जमा हो गए और उन्होंने भी टिडी दल के लश्कर को भगाने के लिए मकबूल खान का भरपूर साथ दिया वाज रहे है कि इस वक्त तहसीनपुर थल के दर्जनों मवाजियात में फसलात पर टिडी दल का हमला जारी है और मुतासरा किसान सख्त परेशान कुल सूरत हाल से दो चार है शुगर सेस कमेटी ने काश्तकारों की खेतों से मिल तक गन्ना लाने के लिए 16 करोड़ अठहत्तर लाख रुपए तकमीना की मुख्त स्कीमों की मंजूरी दे दी है कमेटी का इलाज डिप्टी कमिश्नर सरगोधा अब्दुल्ला नैयर शेख की सदारत में मुनद हुआ इजास में एम पी एस चौधरी फैसल फारूक शीमा चौधरी इफ्तार हुसैन गोदल, चौधरी मुनीब सुल्तान शीमा ए डी सी आर मीसम अब्बास और ए डी सी ए डी फिनान्स यासर भट्टी समेत मिल्स इंतजामिया और काशकार नुमांदों के अलावा मुतलका अफसरों ने भी शिरकत की इजलास में इतफाक़ राय से तमाम शुगर मिलों के दस्तिया फंडस के मुताबिक खेत से मिल्स तक मुख्तु सड़कों की तमीर और मरम्मत की मंजूरी दी गई इलाज से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने कहा है कि शुगर सैस फंड सिर्फ काश्तकारों की फलाह बहबूद पर ही खर्च किए जा रहे हैं उन्होंने मुतल महकमों की तजवीज़ करदा स्कीमों को बगैर किसी उजर और रुकावट के जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की इजाज को बताया गया कि शुगर सैस फंड के तहत जिला भर में कायम चारों शुगर मिल्स की पहले से जारी पंद्रह करोड़ सत्ताईस लाख तखवीना की तीन स्कीमों पर अब तक दस करोड़ छियासठ लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं डिप्टी कमिश्नर ने जारी स्कीमों को बर्बाद करने और की पर कोई समझौता न करने की हिदायत की आतिफ जजों की बस्ती पीलो वैस का एक और एजाज यहाँ का काबिल फख्र सपूत गाजी खान बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर एफ आई एवमी समाजी हल्कों की तरफ से फखरे थल ग तहनीति पैगाम और नेक तमन्नाओं का इजहार वाज रहे है कि जजों की बस्ती पीलो वैंस के मुतद फख्र सपूत इस वक्त मुख्तलिफ आला मनासिब पर फायज होकर वतन अजीज की खिदमत कर रहे हैं यहाँ के इन दरशिंदा सितारों ने न सिर्फ अपनी बस्ती पीलो वैंस तहसीलपुर थल का नाम रोशन किया है बल्कि अपनी शबाना रूज मेहनत तो मशक्कत की बदौलत इनके नाम जज्ब मुसाबका उभारने तो के लिए इलाका के नौजवानों के लिए हिम्मत तो वलवला का इश्तारा बन चुके हैं अल्लाह पाक थल के रोशन सितारों को मुल्क मिलत की खिदमत के लिए और शानदार कामयाबियों से हमकिनार करें इसके साथ ही आज का खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है अपने मेजबान रवाज सरफराज और वाइस साहब सरगोदा की टीम को इजाजत दीजिए कल इसी वक्त फिर आपकी खिदत में हाजिर होंगे खबरनामा के साथ उस वक्त तक के लिए अल्लाह ने जेबा